जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपका भी ईपीएफओ में खाता है तो आपका भी नुकसान होने वाला है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में कि क्या है पूरी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि में नए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डिपॉजिट नहीं हुआ है तो सरप्राइज न हो। लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो को झटका लगा है, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के अब चौथे चरण का ऐलान कर दिया गया है। इसी के मद्देनज़र कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को ईपीएफ अकाउंट में देर से डिपॉजिट करने की अनुमति दे दी है। ईपीएफ खाताधारकों को दोहरा झटका लगेगा, क्योंकि इसके पहले ही सरकार ने पीएफ पर ब्याज दरों को घटा दिया था। तो आइए जान लेते हैं क्या है डिपॉजिट के नियम। ईपीएफ के नियमों के तहत अगले महीने की 15 तारीख तक सभी नियोक्ताओं को कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में डिपॉजिट कर देना होता है। 10 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद नियोक्ताओं को पेनल्टी भी देना पड़ती है। उदाहरण से हम समझते हैं कि मार्च महीने के ईपीएफ योगदान को 15 अप्रैल तक डिपॉजिट कर देना होता है। इसके बाद नियोक्ताओं को 25 अप्रैल तक ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर 25 तारीख तक यह डिपॉजिट नहीं होता है तो इसके लिए पेनल्टी देना होती थी, पर दोस्तों अब इस पेनल्टी से छूट दे दी गई है। ईपीएफओ ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वित्तीय संकट को देखते हुए ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा है कि लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान अगर ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो इसके लिए पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा। बता दें कि भारत में कुल 6.5 लाख ऐसी इकाइयाँ हैं जो ईपीएफओ के दायरों में आती है। ऐसे में संभव है कि इनमें से अधिकतर नियोक्ता इस डील का लाभ लेंगे। कर्मचारियों पर ईपीएफओ के इस कदम का असर दो तरीके से पड़ सकता है। पहला, अगर आप अगले कुछ दिनों में अपने ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉल के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें लेटेस्ट डिपॉजिट नहीं जुड़ पाएगा। विड्रॉल की रकम आपके अकाउंट में डिपॉजिट कुल रकम के आधार पर तय होगी। ऐसे में नए डिपॉजिट की वजह से इस पर असर पड़ेगा। दूसरा, कम मिलेगा ब्याज। दोस्तों, ईपीएफ अकाउंट में नियोक्ता की तरफ से देर से डिपॉजिट होने पर आपको मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा। पीएफ अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज हर महीने की शुरुआत में जमा कुल रकम के आधार पर कैलकुलेट किया जाता था। इस ब्याज को वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद अप्रैल महीने में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसे में डिपॉजिट में देरी से ब्याज कम हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज में ऐलान किया है कि 3 महीनों के लिए ईपीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।